हमारी भी यही प्रॉब्लम है मैम कि हमारी यहाँ गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। 10-10 दिन 15-15 दिन में भी हमारा माल यहाँ पहुँचता नहीं है। मेरे हिसाब से पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी 9% टैक्स जो वन टाइम कहीं भी नहीं लिया जाता। इस ऑर्डर में पहला नंबर 9% टैक्स लगा रहे हैं और वन टाइम कमर्शियल व्हीकल में वन टाइम टोकन। मेरे हिसाब से पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी 9% टैक्स जो वन टाइम कहीं भी नहीं लिया जाता। जो हम पहले देते हाफ क्वार्टरली देते थे, हाफ ईयरली देते, ईयरली देते थे, वो 4400 रुपया 44,000 लगता था, हमारा 100 लगता था। तो आज वो बन रहे हैं 15 साल का वन टाइम टोकन और 9%, जो कि एक जाति है। ट्रांसपोर्टेशन में पहला गिफ्ट यूटी का जे आपके सामने है। हमने 4 महीने से गाड़ियां ले रखी हैं, 12 चक्की गाड़ी और रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। जो हमें स्टेट में पहले 7,000 रुपया हमारा लगता था रजिस्ट्रेशन कराने में, आज लग रहा है 2,70,000 रुपया। एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, बढ़ रही है, वो गवर्नमेंट को पता क्या कर रहे हैं। 4 महीने से हम ये फाइलें लेकर आरटीओ ऑफिस के बाहर अंदर घूम रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं सुना। आरटीओ के पास जाते हैं, बोलते हैं अभी मेरे पास ऑर्डर नहीं आया, मैं क्या करूं, कोई नहीं, कोई कर सकता, कल आओ परसों आओ। 4 महीने से हम रेगुलर उनके पास जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी भी यही प्रॉब्लम है मैम कि हमारी यहाँ गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम बैंक लोन ले कर अपना काम कर रहे हैं, बैंक का भी लोन का जो किस्ती है वो भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि इस टाइम हमें बैंक भी परेशान कर रहा है। रोज़ आरटीओ दफ्तर के चक्कर काट रहे, सुबह घर से आते हैं, शाम को वैसे घर चले जाते हैं। कोई कहने का मतलब है, हमारी बात की कोई सुनाई नहीं हो रही। सब जगह चले गए, सबको बताया जाके भाई हमारी ये प्रॉब्लम है। 4 महीने से हमारी गाड़ी है, 60,000 रुपया हमने इंस्टॉलमेंट एक एक अपने घर से दे दिए। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं, ट्रांसपोर्ट को, गवर्नमेंट को क्या दें। गवर्नमेंट तो कहती है कि हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं, रोजगार बढ़ाना चाहते हैं। ये रोजगार बढ़ा रहे हैं, जिसने 5 लाख लगा के आज उसको बोल दो 3 लाख और लेके आ घर से, कहाँ से लाएगा वो। ये 8-10 लाख रुपया उसके पास लगा के वो रोजगार करा रहा है, अपना काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट को भी देगा, वो इंटरेस्ट भी देगा, वो रोड पे चलेगा, रोड टैक्स भी देगा, हजारों लोगों के घर चलेंगे। फिर इस ट्रांसपोर्टर को क्यों मार रहे हो आप। हम ड्राई फ्रूट का काम करते थे 25 साल से, ये आज का बात नहीं है, ये 25 साल पहले से। हम जब 13 साल के थे, 13 साल में ऐसा साल हमने कभी नहीं देखा। सबसे पहले जो 370 का इनको प्रोग्राम था, वो ऊपर वो खुद जानते हैं क्या करेंगे, गवर्नमेंट मरकज़ क्या करेगा या उधर की गवर्नमेंट क्या करेगी। मगर 370 का जो अचानक प्रोग्राम इन्होंने बनाया, हमारा पामपुर में सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट का, इधर जम्मू में भी चलता है, पामपुर में हमारा सबसे बड़ा चलता है, जहाँ हम टूरिस्टिंग के साथ काम करते हैं। अचानक से ऐलान हो गया, सब टूरिस्ट भाग गए, बचे हमने, मेरे बचे ने 30 लाख का माल लिया, काजू पिस्ता और क्या बोलते हैं किशमिश, सब डैमेज हो गया, कौन देगा हमें। यह 370 का असर है या नहीं है, सब तो ये आप लोगों को पता है, सब मीडिया को पता है, कौन सी गाड़ी आई है, 3 महीने कौन सी गाड़ी चली, चाहे सोमू हो, ट्रक वाले हो या और कोई, लोन लेने में उठाने में गांव में डरते हैं जाने को। सबसे ज़्यादा हम काम करते अखरोट के साथ। पहले ये क्या हुआ, जब 370 टूट गया तो उन्होंने वहाँ से सब बिहारियों को भगाया, मजदूरों को भगाया, गुजर लोग वहाँ सबों को भगाया। जब ये भाग गए तो हमको लेबर भी नहीं मिली है अखरोट फंडाने की। जब अब खुद मेहनत करनी है, खुद हमने मेहनत की है, हमने फंडाई की है, उसके बाद हमें सुखाने किसी मैदान में जाते हैं, हालात ख़राब हो गए, हम मैदानों में भी नहीं जा सकते हैं, हो गया पूरा नुकसान हमारा ड्राई फ्रूट का। अब थे हमारे पास सेब, सेब का मार्केट था, वो इन्होंने मार्केट कहाँ तक पहुँचाया, एक सेब की पेटी आज 200-250-300 में जाती है, जो सेब की पेटी तैयार जो हम तैयार हो वहाँ कितने में हो रही है, 700 में तैयार हो रही है वहाँ पर। अब यहाँ मंडी में आते हैं वो 300 में जाती है, जम्मू मंडी के गाँव में करता हूँ, आगे भी जाओ लुधियाना दिल्ली हर जगह यही प्रॉब्लम है। ये क्या हुआ, ये 370 की वजह से हमें ये इतना नुकसान देना पड़ा। जब से ये दफ़ा 370 टूटा है, हम व्यापारियों की कमर की हड्डी टूट गई, क्योंकि पूरे देश में ये संदेश आ गया कि जम्मू एंड कश्मीर में हालात बहुत ख़राब है। उसकी वजह से हमारे माल को ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं
और ग्राहकों को भी बहुत परेशानी होती है कि वो क्या सोचते हैं अपनी जगह हम हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर के लिए माल के लिए जाएंगे, लेकिन वहाँ हालात ख़राब है, इसलिए हमारे माल को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी प्रॉब्लम हमें हो रही है कि रोड जो हो रहा है हमारे को कश्मीर से जो जम्मू तक रोड आ रहा है बहुत ख़राब है। 10-10 दिन 15-15 दिन में भी हमारा माल यहाँ पहुँचता नहीं है और इससे हमारे को बहुत सारा नुकसान हुआ है। जो ये GST इन्होंने हम व्यापारियों पे लगाई है इससे भी हमारी कमर टूट गई है और हम अपनी तरफ से आपकी वसादत से गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि व्यापारियों की तरफ थोड़ा ध्यान दें और हमारे मंडी जो इस वक्त मैं इस वक्त जम्मू में खड़ा हूँ और पूरा मार्केट यहाँ ठप है। Thank you.